जिंदल फैक्ट्री के पास बने रेलवे पुल पर देर रात भीषण सड़क हादसा हो गया। एक तेज रफ्तार कार ने अनियंत्रित होने के कारण पुल पर सो रहे मजदूरों को कुचल दिया। मजदूरों को कुचलती हुई कार पुल से 70 फुट नीचे जा गिरी। हादसा इतना भीषण था कि कार के कुचले जाने से घायल 14 मजदूरों में से 5 ने दम तोड़ दिया। कार की टक्कर के कारण एक मजदूर तो पुल से भी 100 मीटर दूर नीचे गिर गया, जिससे उसकी मौत हो गई। हादसे में कार चालक को भी गंभीर चोटें आई हैं। कार चालक सहित 10 घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसा B&R और पुलिस विभाग की लापरवाही और गाड़ी की तेज रफ्तार के कारण हुआ है। दरअसल जिंदल पुल पर B&R विभाग की तरफ से मस्टिक लेयर बिछाने का काम किया जा रहा था। इसके चलते कुछ दिन पहले ही पुल के एक हिस्से से बजरी उखाड़ ली गई थी और उस पर मस्टिक लेयर बिछाई जा रही थी। पुल पर तारकोर के ड्रम, क्रशर अन्य सामान रखा हुआ था। मजदूर भी रात को पुल पर बने फुटपाथ पर ही सोते थे। यह हादसा करीब रात को 2 बजे का है। करीब 12 बजे का टाइम था, 100 की स्पीड में गाड़ी थी। जब हमारे पास जब पहुंचा, एक बोट था पीली कलर की, पीली कलर को उस देख नहीं पाया वो और संभाल नहीं पाया वो, पहले बोट उड़ा दिया और जितने भी हम सोए हुए थे वहाँ पे 14 लड़के पे सब पे चढ़ा, 5 मर गए हैं और 5 हम ऐसे अभी टांग में चोट लगाए हैं। एक में सिंगल आदमी थे, एक में 4 आदमी थे, वो चारों भाग गए। जो हमारे साथ में जो सिंगल वाले आदमी थे वो हमारे साथ ही आया हॉस्पिटल। सर ये आ रहे थे दोनों एक ही साइड से, इनकी गाड़ी थी थोड़ी तेज, उनकी थोड़ी स्लो थी। जो हमारे बंदे को जिसको चोट लगा था हल्का फल्का, जो भी मरने लायक नहीं था, पिछला गाड़ी आया वो भी तेज में था, उसने और थोड़ा ज़्यादा और मार दिया, उसी में उसकी डेथ हो गई। लेकिन अब रहने के लिए जगह भी नहीं था वहाँ पे, कहीं और डलवा देते डेरा वेरा, वहीं रहते हम काम करते वहाँ से यहाँ पे। लेकिन वैसा तो किया नहीं हमने, रोड वाला काम चलता है, मास्टिक वाला रबर वाली तो वही करते हैं। डेट करके उनके बाल बच्चे दुखी ना हो, उनको बढ़िया मिल जाए अपना जो भी है रहे, उससे बाल बच्चे खुशी से खाए पिए रहे बढ़िया से। बस कारोबार जहाँ चाहेंगे नहीं सर, गाड़ी वाले के लिए भी चाहेंगे और ठेकेदार के ऊपर भी हम चाहेंगे कि उसके ऊपर भी कुछ करें। तब हमारे उधर के बिहार के खगड़िया जिला, तो ये जो जिंदल पुल के ऊपर काम कर रहे थे मजदूर थे बिहार के सभी, जो फुटपाथ पर सो रहे थे काम करके, तो हिसार शहर की तरफ से एक I-20 गाड़ी आई, पहले उसने उनके ऊपर चढ़ा दी जिसमें 2-4 को चोट लगी, फिर उसके बाद अर्टिका गाड़ी आ गई, वो उठकर इधर उधर होने लगे तो उस गाड़ी ने भी उनके ऊपर चढ़ा दी। जो दोनों गाड़ियों को एक्सीडेंट होने के कारण में जिनमें 5 आदमी एक्सपायर हो गए हॉस्पिटल के अंदर और 5 आदमी इंजर्ड हैं जिनमें एक अग्रवा रेफर है। इनके खिलाफ, दोनों गाड़ियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया है और गाड़ी मौका पर हैं और इनकी कार्रवाई 174 की करवा रहे हैं। आई न्यूज के लिए हिसार से प्रवीण कुमार की रिपोर्ट। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखी गई वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।